अज दी इस कहानी दे विच दसांगा कि एक तलाक शुदा स्कूल दी टीचर ने अपने विद्यार्थी नाल एहो जिहा की कीता कि दोहां नूं लोकां दे सामने होना पिया शर्मसार। दरअसल एक विद्या दे नाल रिलेटड एक उस संस्था दे नाल रिलेटड कहानी है जिसका वास्ता हर एक इंसान नाल पैंदा है, क्योंकि एजुकेशन तो बिना इंसान जिंदगी कुछ भी नहीं कर सकता। पर दोस्तों पुराने समय की गल करिए तो पुराने समय में टीचर का जो सत्कार हुंदा सी वह सचमुच हुंदा सी। टीचर का सत्कार अज भी बच्चे करते हैं, पर किते ना किते कुछ अजिहे बच्चे फिर भी हुंदे ने जो इग्नोर करना ज़्यादा ठीक समझते हैं। मैं उन्होंने बच्चों हमेशा मुबारकबाद दिना जो टीचर का वड्डियां का सत्कार करते हैं तो छोटियों को प्यार करते हैं। स्कूल का ही इस कहानी के जिक्र है कि बारहवीं क्लास के लड़का तो उसकी मैडम जिसका दो कु साल पहला विआह होया सी, लेकिन दोहां मियाँ बीबी की आपस में ही ना बन करके उन्हां दोहां दा तलाक हो गया। तलाक तो बाद मैडम का उदास रहना सुभाविक ही सी। इन्ना खर्चा किया करद्या ने जिस जिंदगी नूं चलाउण वास्ते पूरा साजो समान दिता गया, पर लड़के दे परिवारक मैंबरां वल्लों उसकी कदर नहीं की गई। दो साल ही अजे विआह नूं होए सी उस लड़की दे नाल कुटमार करनी शुरू कर दित्ती। दस्या भी जा रहा कि लड़का असल विच इत्थे विआह करवाउणा ही नहीं चाहुंदा सी। उह चाहुंदा सी कि जिस लड़की नाल मेरी मुहब्बत है प्रेम संबंध ने उसे नाल ही अपना जीवन बसर करां। पर लड़के दे परिवारक मैंबरां दे अगे लड़के की इक ना चली। गल वधदी गई, जो वक्त अपनी वाइफ नूं देण वाला सी वह वक्त किते ना किते लड़का अपनी प्रेमिका नूं दे रहा सी। रात दे दो दो तीन तीन बजे आना और इस लड़की ने इंतजार कर करके सौ जाना, जिंदगी डिस्टर्ब होने लग पई। विआह तो पहला एक लड़की दे जहन दे विच जो खुशियां हुंदियां ने वह हौली हौली खत्म होने लगियां। नीरस जिंदगी, चेहरे ते कोई खुशी नहीं। विआह तो बाद बच्चियां सजदियां ने तजदियां ने, पर इसने सारा कुछ खत्म कर दिता सी। एकांत विच रहन करके मैंटली तौर पर भी किते ना किते वह डिस्टर्ब हो चुकी सी। परिवारक मैंबरां नूं दस्या और परिवारक मैंबरां नूं ज़्यादा डीपली गल नहीं सी दसदी, क्योंकि खुद तो वह गम की मार चल ही रही है। परिवारक मैंबर क्यों इस गम दे विच आउण। आखिरकार दोहां ने फैसला किया कि तुसी मेरे नाल खुश नहीं हो, मैं चाहती हाँ कि आपां सदा वास्ते अलग हो जाइए। अलग हो गए, स्कूल विच जाना आना शुरू कर दिता है। पर दोस्तों एक नौजवान लड़की आखिर जिंदगी बहुत लंबी होंदी है। घर दे विच ट्यूशन पढ़न आउंदा एक लड़का जो प्लस टू का विद्यार्थी सी, किते ना किते एकांत इंसान नूं खा जांदा है। उस एकांत तो बचण वास्ते उसके दिल दे विच अपने ही विद्यार्थी दे प्रति मुहब्बत पनपनी शुरू हो गई। हुण एक टीचर शादीशुदा, शादीशुदा होने तो बाद उसका डाइवोर्स होना, एक विद्यार्थी, सुनने नूं जरूर ये रिश्ता अटपटा लगता है, पर जदों मुहब्बत सारे किनारियां नूं वट्टां नूं और सारियां सरहदां नूं पार कर जांदी है तो उस वेला पता ही नहीं लगता की हो जाता है। और वैसे भी समाज पर नज़र मारीे अजकल की हो रहा है मेरे तो वध तुसीं जानते हो। एक दिन तो उस मैडम ने अपने विद्यार्थी नूं कहा कि कल तू छेती आवीं, मैं भी किते जाना है तो तू भी उस तो बाद फ्री हो जावी। पर उस लड़के नूं कुछ नहीं सी पता कि अज मेरे नाल की होने वाला है। उस तलाकशुदा मैडम ने अपने विद्यार्थी नूं बुलाया ते अंदरों कुंडी बंद कर ली। अचानक जदों बाकी बच्चे उसे ही टाइम पढ़न आए, उन्होंने वेख्या कि अंदरों कुंडी बंद है। उन्होंने कुछ नहीं पता सी, हाँ ये जरूर पता सी कि साढ़े नाल दा साथी आ चुका है, क्योंकि उसकी बाइक बाहर खड़ी वेख ली सी। उस तो बाद उन्होंने दरवाज़ा खड़काया पर अंदरों कोई आवाज़ ना आई। हाँ काफ़ी देर बाद जदों दरवाज़ा खोलिया तो दोहां नूं जिस हालत विच वेख्या बाकी दे बच्चे भी उन्हां दी हालत वेख के पूरी तरह शर्मिंदे हो गए। अध्यापिका ने बच्चों नूं कहा सॉरी तुसी बैठो मैं आउंदी हाँ। सारे बच्चे एक दूसरे के मूँह वल वेख रहे सी और वह बच्चा भी जदों अंदरों निकलिया उसकी हालत जिन्हों शब्दों बयान नहीं किया जा सकता है। वो उत्थे पढ़ने लिए नहीं बैठा,
वह अपनियां किताबां चक के चला गया। तो मैडम का भी इंतजार कर रहे बच्चे सिर्फ तो सिर्फ इंतजार करते रहे। वह मैडम बच्चियां नूं ट्यूशन पढ़ाउण दोबारा नहीं आई। बच्चे नीरस हो के मैडम दे घर विच्चों चले गए और हर एक दे ज़हन दे विच एक सवाल सी कि आखिर अंदर की हो रहा सी। मैं अपने ये मोढ़िया ते गोढ़िया तो बहुत दुखी सी। मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैनू फी रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस तरह इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक दे इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी। मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुलो। कितना कि असी अपने बालों करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लिफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगान नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।